नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप घर बैठे रिमोटली अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं यूएई में। अगर कर सकते हैं तो वो कौन सी कंपनीज हैं जो आप रिमोटली घर बैठे बैठे फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है फ्री जोन और ऑफशोर की बात करेंगे। देखिए, फ्री जोन और ऑफशोर ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके लिए आपको फिजिकल प्रेजेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इजीली अपनी कंपनी रिमोटली फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हैं तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है और किसी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्री जोन्स हैं और हर फ्री जोन का अपना अलग अलग प्रोसेस है कंपनी फॉर्मेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस फ्री जोन, जिस फ्री जोन को आप ले रहे हैं उस फ्री जोन का क्या प्रोसेस है। तो जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ फ्री जोन्स में वो लोग आपसे ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत होती है, जिनमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो वो फाइल करने के लिए एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको वाया ईमेल भेजेंगे। आप उन पर साइन करेंगे और वाया ईमेल ही आप उनको रिप्लाई कर देंगे अपने साइन डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर वो उनको वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो फिर वो लाइसेंस इशू कर देंगे। कुछ फ्री जोन्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर वो आपसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। जैसे कि आपको एक वीडियो बनानी होगी जिसमें आप अपना पासपोर्ट होल्ड कर रहे होंगे, अपना पासपोर्ट शो करेंगे और अपनी आइडेंटिटी को रिवील करेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इस तरह से एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और उसे आप सेंड कर देंगे एज एन ऑनलाइन वेरिफिकेशन। वो जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपका, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी और लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो इस तरह से किसी फ्री जोन में मांग सकते हैं वो। किसी फ्री जोन में सारा प्रोसीजर पोर्टल के थ्रू होता है। वो आपको पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देंगे, आप उनको रिव्यू करिए। जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप ई सिग्नेचर करके उन डॉक्यूमेंट्स को वापस भेजिए और फिर वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि आपका यूएई में या आपके किसी होम कंट्री में जहाँ आप रहते हैं किसी तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है जो कि इनअप्रोप्रिएट हो। एंड देन एक प्रोसीजर के थ्रू फिर वो आपका लाइसेंस इशू करते हैं। तो ये फ्री जोन पे डिपेंड करता है कि उनका प्रोसीजर क्या है। हर फ्री जोन का प्रोसीजर सेम नहीं होता है और जब हम आपके लिए लाइसेंस इशू करते हैं तब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और किस तरह से लाइसेंस इशू होगा। मगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि ऑफशोर एंड फ्री जोन में फिजिकल प्रेजेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये का दोनों कंपनी आप इजीली कहीं से भी फॉर्म कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। ओके, सो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट फ्री जोन एंड ऑफशोर, कम से कम ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मेनलैंड के बारे में बात करते हैं। तो मेनलैंड में देखिए चार ऑप्शंस हो सकती हैं। वो चार ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो कि यूएई का रेसिडेंट है और वो यूएई के अंदर ही रह रहा है। सेकेंड कैटेगरी होगी उन लोगों की जो यूएई रेसिडेंट तो हैं लेकिन वो यूएई में नहीं रह रहे इस वक्त, वो आउट ऑफ यूएई किसी कंट्री में, अपनी नेटिव कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी हो सकती है कि आप यूएई रेसिडेंट नहीं हैं, आप एक एक्सपैट हैं लेकिन आप विजिट वीज़ा पे यूएई में आए हुए हैं। और फोर्थ कैटेगरी उनकी होगी जो कि न तो रेसिडेंट है, मतलब टोटली एक्सपैट हैं, उनके पास कोई रेसिडेंस वीज़ा नहीं है और वो यूएई में भी नहीं आए हुए हैं, वो अभी अपनी ही नेटिव कंट्री में हैं। और उसमें भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक तो वो जो कभी किसी ज़माने में यूएई कभी उन्होंने विजिट किया है प्रीवियसली, तो उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। और दूसरी कैटेगरी उनकी हो सकती है जिन्होंने कभी यूएई में ट्रैवल ही नहीं किया। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज कैटेगरीज जो प्रोसीजर होगा मेनलैंड कंपनी फॉर्मेशन का वो चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी फॉर ईच वन ऑफ देम कि क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस में डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं।
तो देखिए, जनरल तो यही सोच है सबकी कि अगर आपको यूएई में मेनलैंड कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। एक जो स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है, जो कि मेनलैंड कंपनी में कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इट इज़ ट्रू कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं। हम मेनलैंड कंपनीज रिमोटली भी फॉर्म कर सकते हैं, एंड मैं आपको अब कैटेगरी बेसिस पे बताऊंगी कि किस कैटेगरी में कैसे आप रिमोटली कंपनी फॉर्म कर सकते हैं यूए में। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेनलैंड में कंपनी फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसमें हम सबसे पहले ट्रेड नेम लेते हैं, फिर इनिशियल अप्रूवल करते हैं, फिर हम इजारी करते हैं। इजारी इज बेसिकली टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आपका ऑफिस स्पेस आप बुक करते हैं कि आपके ऑफिस का एड्रेस क्या होगा। उसके बाद फिर जो है हम मेमोरेंडम साइनिंग करते हैं, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में, आपकी शेयर होल्डिंग के बारे में, पार्टनर्स के बारे में मेंशन होता है, जो कि बेसिकली एक नोटराइजेशन या कोर्ट साइनिंग भी कहा जाता है इसको, तो वो करते हैं। और उसके बाद जो है लाइसेंस इशू होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एंड जब लाइसेंस इशू हो जाता है तो फिर हम एस्टैब्लिशमेंट कार्ड लेते हैं, विच इज़ फॉर दोज हु वांट वीज़ास। तो थ्रू एस्टैब्लिशमेंट कार्ड हम वीज़ास लेते हैं फिर। तो अब हम बात करते हैं उन शेयर होल्डर्स के बारे में जो ऑलरेडी यूएई में हैं। उनके पास रेसिडेंट वीज़ा है, हो सकता है कि वो उनके पास इन्वेस्टर वीज़ा ऑलरेडी कोई कंपनी हो, या फिर वर्किंग परमिट हो कहीं एज एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, या फिर वो डिपेंडेंट वीज़ा पर हो यहाँ पर। तो एनीबडी एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अगर रेसिडेंट वीज़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास एमिरेट्स आईडी होगी। एमिरेट्स आईडी विच इज़ लाइक द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। उनके पास पासपोर्ट तो होगा ही होगा फॉर श्योर, एंड उनके पास वीज़ा स्टैम्प पेज भी होगा। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास होंगे। यू हैव टू इंश्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेटेड हो, मतलब उनमें से कुछ भी एक्सपायर्ड ना हो। सो अगर आपके पास ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और आप यूएई में हैं, आप जो है कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैंने आपको भी बताया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके हम आपका ट्रेड नेम लेंगे, आपकी कंपनी का नेम रजिस्टर करेंगे, फिर हम उसके बाद इनिशियल अप्रूवल ले लेंगे। क्योंकि आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो हम एमिरेट्स आईडी यूज़ करके ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं इजीली। एंड आफ्टर दिस आप अपने लिए ऑफिस भी बुक कर सकते हैं अपनी एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट भी यूज़ करके। वंस योर ऑफिस इज़ बुक्ड, वी कैन ईजिली देन गेट यू डन विद द मेमोरेंडम। सो बेसिकली ये जो मेनलैंड कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ती है मेमोरेंडम साइनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका ये मेमोरेंडम साइनिंग कंप्लीट हो सकता है। अगर आप तीन पार्टनर्स हैं, दो यूएई में हैं, एक बाहर है, तो भी हम मेमोरेंडम साइनिंग नहीं कर सकते। तो वहीं पर आके जो है बात अटक जाती है। इसीलिए मेनलैंड में कहा जाता है कि फिजिकल प्रेजेंस इज इम्पॉर्टेंट, और जब तक ये मेमोरेंडम साइनिंग नहीं होगी तब तक लाइसेंस इशू नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस इशू मेमोरेंडम साइनिंग के बाद होता है। सो इफ़ यू आर फिजिकली प्रेजेंट तो ये सारा प्रोसेस इजीली हो जाएगा, एंड देन आपका लाइसेंस भी इशू हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये है एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड विच टेक्स अराउंड 7 to 10 डेज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी पे, कि आपने कौन सी एक्टिविटी ली है, उसमें कोई एक्सटर्नल अप्रूवल तो नहीं है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, वरना 7 to 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब उनके बारे में बात करते हैं जो कि यूएई में रेसिडेंट नहीं है या जो अभी फिजिकली यूएई में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए, अगर आपको कमर्शियल कंपनी ओपन करनी है, मतलब आप कोई ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहते हैं और आप यूएई में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इंस्टेंट लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं अपने बिजनेस कंसल्टेंट को या जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है उनको। तो ये इंस्टेंट लाइसेंस क्या होता है? सो व्हाट हैपेंस, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें अब 100% ओनरशिप अलाउ हो गई है और आपको कोई कमर्शियल कंपनी खोलनी है, तो आप इंस्टेंट लाइसेंस ले सकते हैं। मतलब कि जो ऑफिस होता है, जिसे हम इजारी कहते हैं, जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर अब आपको दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट या दुबई म्यूनसिपैलिटी का एड्रेस जो है वो मिल जाता है
और आपकी एब्सेंस में ये इंस्टेंट लाइसेंस लिया जा सकता है, उसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम साइनिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेनलैंड में, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसमें पहले मेमोरेंडम साइनिंग होती है और उसके बाद लाइसेंस इश्यू होता है, राइट? लेकिन अगर आप इंस्टेंट लाइसेंस लेते हैं तो उसमें जो इनिशियल अप्रूवल है और जो मेमोरेंडम साइनिंग है वो स्टेप स्किप हो जाता है और डायरेक्ट लाइसेंस इशू हो जाता है। तो अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं, मतलब आपके पास एमिरेट्स आईडी है, या फिर आप रेजिडेंट नहीं भी हैं लेकिन आपने यूएई विजिट किया हुआ है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और यूनिक आईडी नंबर है, वीज़ा स्टैम्प है यूएई का, तो हम उसको यूज़ करके आपके लिए इंस्टेंट लाइसेंस ले सकते हैं फॉर कमर्शियल एक्टिविटी, ओके? और लाइसेंस इशू होने के बाद आप जब भी यूएई विजिट करेंगे, जब भी आपके लिए पॉसिबल होगा, आप आइए, मेमोरेंडम साइनिंग करिए विच इज़ वन डेज एक्टिविटी, और उसके बाद आप अपना एस्टैब्लिशमेंट कार्ड ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इंस्टेंट लाइसेंस। यहाँ पर आपको फुल टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एब्सेंस में लाइसेंस इशू हो रहा है, एड्रेस जो है दुबई म्यूनसिपैलिटी का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इजीली जो है आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप बस आइए, मेमोरेंडम साइनिंग करिए एक दिन में, और फिर बाद में एस्टैब्लिशमेंट कार्ड ले लीजिए और अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो मान लीजिए आपको प्रोफेशनल लाइसेंस खोलना है, तो वहाँ पर इंस्टेंट लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब आपकी कोई सर्विसेज कंपनी है या कोई कंसल्टेंसी की एक्टिविटी है तो वहाँ पर इंस्टेंट लाइसेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। एनीवेज, पावर ऑफ अटॉर्नी समथिंग जो कोई भी दे सकता है, चाहे उसे कमर्शियल लाइसेंस चाहिए हो या प्रोफेशनल चाहिए हो, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी हमें दे सकते हैं, हमारी कंपनी को, और हम आपके बिहाफ में मैनेजर बन के सारा प्रोसीजर आपके लिए करते हैं। और वंस द कंपनी फॉर्म लाइसेंस इज डन, इजीली जब भी आप आते हैं आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में आप जो है लाइसेंस में अमेंडमेंट करा के आप कंसर्न मैनेजर को, जिसे आपने अपॉइंट किया था फॉर लाइसेंस फॉर्मेशन, उन्हें अपने लाइसेंस से हटा सकते हैं और जिसे भी चाहें उसे वहाँ मैनेजर बना सकते हैं कंपनी में। सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज वी कैन डू यूजिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसमें आप हमें पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि हम आपके लिए कंपनी फॉर्म कर सकें आपकी एब्सेंस में, एंड दिस कैन बी डन फॉर कमर्शियल एंड प्रोफेशनल बोथ। अदरवाइज इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, देन इन दैट केस आप इंस्टेंट लाइसेंस ले लीजिए, अपना पूरा टाइम सेव करिए, और लाइसेंस इशू होने के बाद यहाँ आइए, मेमोरेंडम साइन करिए, और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट कार्ड ले लीजिए। सो दीज आर द टू वेज फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दे सकते हैं। उसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो फॉर्मेट है उसको आप अपनी नेटिव कंट्री में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जो वहाँ यूएई एम्बेसी है आपकी नेटिव कंट्री में, इन तीनों जगहों से आप जो है सिग्नेचर्स लीजिए उनके, उसको अटेस्ट करवाइए और आप हमें दे दीजिए, फिर हम उसको यूज़ करके वी कैन इनिशिएट द लाइसेंस प्रोसेस। दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी का एक और आसान तरीका है, विच विल कॉस्ट यू बिटवीन 1500 to 2000 dirham, और उसमें इट इज़ ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? इसमें क्या होता है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ से आप एक एप्लीकेशन है जिसको बॉटम कहते हैं, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से, एंड देन उस ऐप को यूज़ करके आप वीडियो कॉल कर सकते हैं दुबई कोर्ट में जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ, जो हमारे जो मैनेजर होंगे हमारी कंपनी के, जिनको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं वो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, और आप उस वीडियो कॉल में अपना अप्रूवल देंगे कि यू आर गुड टू प्रोवाइड पावर ऑफ अटॉर्नी एंड यू वांट दैट कंसर्न पर्सन टू डू ऑल द प्रोसेसिंग फॉर यू। मतलब आप उसको अप्रूव कर रहे हैं कि ये हमारे बिहाफ में लाइसेंस प्रोसेस को मैनेज करेंगे एंड वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से भी आप ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। ये क्विकर प्रोसेस है क्योंकि अटेस्टेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, आपको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स से जो है सिग्नेचर्स लेने हैं, सो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और जल्दी भी हो जाएगा।
तो इस तरह से जो है आप पावर ऑफ अटॉर्नी ले सकते हैं और किसी भी कंपनी को मेनलाइन कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और वंस यू आर डन विद दिस, फिर आप यहाँ आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करवा लीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले लीजिए और अपने आप को जो है मैनेजर बना लीजिए वंस यू हैव द एमिरेट्स आईडी। सो दिस इज लाइक अ क्विक प्रोसेस। आप इजीली इस दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हो, आप मेनलैंड कंपनी रिमोटली फॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज आ गई हैं। एक और पॉइंट है, वो उनके लिए है जो कि न तो जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा है, जिन्होंने कभी यहाँ यूए में पहले ट्रैवल भी नहीं किया है, मतलब उनकी कोई यूए ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो हाउ कैन वी मैनेज फॉर देम, उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो वो भी दे सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी एंड या फिर वो भी इंस्टेंट लाइसेंस ले सकते हैं, मगर उनके केस में प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पर क्या होगा, हमें आपके लिए एक विजिट वीज़ा इशू करना पड़ेगा बिकॉज वी रिक्वायर यूआईडी नंबर। सो बिकॉज आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई यूआईडी नंबर नहीं है, तो हम एक विजिट वीज़ा आपको देंगे, चाहे वो एक महीने का हो, तीन महीने का हो, डिपेंड करता है आप कब ट्रैवल कर सकते हैं। उस विजिट वीज़ा पे आपको लेकिन मैंडेटरी ट्रैवल करना होगा यूएई में फ्यूचर में। सो उस हिसाब से आप हमें बताइए कि हम आपको एक महीने का दें या तीन महीने का दें, फिर आपका यूआईडी नंबर इशू हो जाएगा जिसको यूज़ करके हम जो है इंस्टेंट लाइसेंस ले लेंगे। एंड लेटर ऑन जब आप यहाँ ट्रैवल करेंगे तब आप मेमोरेंडम साइनिंग कर लीजिएगा और आफ्टर दैट जो है एक एक्स्ट्रा अप्रूवल भी लेना पड़ता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, बिकॉज आपके पास एमिरेट्स आईडी तो है नहीं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट कार्ड इशुएंस। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, यूजिंग दैट आप एस्टैब्लिशमेंट कार्ड भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको आज की डेट में मेनलैंड में कंपनी फॉर्म करनी है, आप एक्सपैट हैं, आपको न तो लोकल की ज़रूरत है, आपको कोई यूएई बेस्ड ईआईडी होल्डर की भी ज़रूरत नहीं है, आप 100% ओनर हो सकते हैं बीइंग एन एक्सपैट। इट इज़ जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस आपको यूज़ करना है और इंस्टेंट लाइसेंस में क्या प्रोसेस है और पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ यू कैन गेट 100% owned company in UAE as an expat without involving any local, any UAE based resident in your license and form the company remotely. So I hope ये video से आपको अब clarity आ गई होगी और कोई भी questions है तो मुझसे पूछिए comment box में।